जय हिंद दोस्तों। दोस्तों आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग अध्ययन करेंगे क्लास 11th को, जो हम लोग मैथ का एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिसमें दोस्तों हम लोग चित्रा की पब्लिकेशन से अध्ययन कर रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें, आप कोई बुक से अध्ययन कर रहे हो कोई समस्या नहीं है। आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए आप कौन से बुक से अध्ययन कर रहे हो और किसमें आपको समस्या आ रही है, मैं उसका भी प्रॉब्लम आपको सॉल्व करा दूंगा बिना किसी हेजिटेशन के। आप लोग चैनल में बने रहिए और वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो को देखते रहिए। दोस्तों आज के इस टॉपिक में हम लोग सीक्वेंस एंड सीरीज के बारे में अध्ययन करने वाले हैं, यानी दोस्तों अनुक्रम तथा श्रेणी के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। दोस्तों अनुक्रम और श्रेणी के बारे में अध्ययन करने से पहले आपको कुछ बातें आपको याद रखनी है कि अगर यन की बात कही जाए, यन का मतलब है प्राकृतिक संख्या नंबर्स, वहां पर यन की जगह आप लोग 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 डॉट 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 कुछ भी रख लीजिए, ठीक है। अगर प्रथम पद की बात कही जाए तो प्रथम पद का मतलब होता है पहला पद, द्वितीय पद का मतलब दूसरा पद, तृतीय पद का मतलब तीसरा पद। प्रथम पद में यन का मान 1 लोगे, द्वितीय पद में यन का मान 2 लोगे, तृतीय पद में यन का मान 3 लोगे, चतुर्थ पद में यन का मान 4 लोगे, ऐसे अब लेते रहोगे, ठीक है। प्रथम पद को A1 से लिखते हैं, द्वितीय पद को A2 से लिखते हैं, तृतीय पद को A3 से लिखते हैं, चतुर्थ पद को A4 से लिखते हैं, क्लियर। अब देखिए ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं है, छोटा वीडियो है, 9.1 का हम लोग अध्ययन करेंगे, जो कि आज हमारा जो हम लोग एक्सरसाइज किसका अध्ययन करेंगे, 9.1 जो कि हमारा चित्रा की पब्लिकेशन है उससे अध्ययन करेंगे। क्वेश्चन पहला आपका यह है, यदि किसी अनुक्रम का यनवा पद an निम्नलिखित है तो उसके प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। तो यनवा पद क्या है, पहला क्वेश्चन में उन्होंने ये कहा है कि यनवा पद बराबर an है और इन्होंने an बराबर a पार्ट में दे ही दिया है, an बराबर n कोष्टक में n प्लस 1, हमने क्या कहा था कि हमेशा ध्यान रखिए n का मान 1, 2, 3, 4 जो भी रखना रख लीजिए। इन्होंने कहा है कि इसके प्रथम 3 पद ज्ञात करना है, 3 पद का मतलब है n बराबर आप 1 लोगे, 2 लोगे, 3 लोगे, बस ठीक। अब जब 1 लोगे n बराबर 1 तो a n की जगह 1, 1, 1 प्लस 1, जहां जहां n है वहां वहां 1 रखोगे तो ये हो जाएगा A1 बराबर 1 और 1, 2, 2 का गुणा कर लो 2, तो A1 बराबर क्या है 2। अब की बार n बराबर क्या रखोगे, 2 रखोगे, जहां जहां n है वहां वहां 2 रखो, तो 1 प्लस 2 प्लस 1 अर्थात 2 × 1 और 2 जुड़ के 3, तो A2 बराबर हो गया 3 × 2 = 6। अब की बार n बराबर कितना रखोगे, 3, तो यहां पर भी 3 रखोगे, यहाँ पर भी 3 रखोगे, 3 + 1 अर्थात 3 × 4 = 12, तो A3 बराबर क्या आ गया, 12। तो आपके पास आंसर क्या है, आंसर है 2, ठीक, ये जो 2, 6, 12, यानी यहाँ पर 12, 2, 6, 12, ये दोस्तों आंसर हो गया। अब इसी का बी पार्ट में क्या है, देखिए बी पार्ट में an बराबर n स्क्वायर n प्लस 1, n स्क्वायर n प्लस 1, तो अब n बराबर हम लोग क्या क्या रखेंगे, n बराबर हम लोग 1, 2, 3 रखेंगे, 3 पद पूछा गया है। सबसे पहले n बराबर हम लोग रखते हैं 1, जब n बराबर 1 रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1, या फिर 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1, 1 की घात कुछ भी हो 1 ही होता है, तो हम लोग क्या करेंगे 1 और बटे 2 अर्थात 1/2। अब की बार हम लोग n का मान क्या लेंगे, n का मान लेंगे 2, इसके बाद n का मान क्या लेंगे हम लोग, 3 लेंगे। अब देखिए ये हो जाएगा a2 ऊपर 2 का वर्ग बटे 2 + 1 अर्थात 2 का वर्ग 4/3। अब की बार n का मान 3 ले लेंगे तो a3, जहां जहां n है वहां वहां 3 रखना है, तो 3 + 1 अर्थात 9/4, तो यही आंसर है। आंसर क्या है, 1/2, 4/3, 9/4, और ये हो गया आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा, यदि किसी अनुक्रम का n-वा पद निम्नलिखित है तो उसके प्रथम 5 पद ज्ञात कीजिए, 5 पद, आपकी बार 3 पद नहीं, आपकी बार 5 पद कहा गया,
तो पांच पद जब कही गई है तो पांच पद ज्ञात करेंगे हम लोग। पांच पद हमारे पास ए एन बराबर तीन एन प्लस एक। अब की बार दोस्तों हम लोग एन बराबर क्या रखेंगे, एन बराबर रखेंगे एक दो तीन चार पाँच, पांच ज्ञात करने के लिए कहा गया है तो हम लोग पांच रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले ए वन मतलब एन की जगह वन रखेंगे, तो तीन इंटू वन प्लस एक अर्थात हम लोग कहेंगे तीन एकम तीन प्लस एक अर्थात कितना है चार। अब की बार ए दो मतलब एन की जगह दो रखो, तो तीन इंटू दो तीन इंटू दो प्लस एक तीन दूनी छः प्लस एक अर्थात सात। अब की बार तीन रख लो, जब तीन रखोगे तो तीन इंटू तीन प्लस एक तीन त्रिका नौ प्लस एक अर्थात दस। अब की बार चार रख लो, जब चार रखेंगे यहाँ पर रख दे रहे, चलो यहीं पर रख देते हैं ए फोर, तो ये हो जाएगा तीन इंटू चार, तीन इंटू चार प्लस एक चार तिया बारह प्लस एक अर्थात तेरह। तो आंसर अभी नहीं है, एक बाकी है अभी ए पाँच, यानी एन का मान पाँच रखो, तो तीन इंटू पाँच प्लस एक अर्थात पाँच तिया पंद्रह प्लस एक बराबर सोलह। तो आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया आपके पास चार सात दस तेरह सोलह, ये हो गया आंसर। ठीक, इसी प्रकार आप लोग इसका बी पार्ट भी कर लोगे, यानी स्क्वायर प्लस वन, एक बार एक बार दो एक बार तीन एक बार चार एक बार पाँच, यान बराबर रखना ही आप लोग तो रख लोगे, आसानी से कर लोगे। अब देखिए तीसरा, तीसरे में ये कहा गया यदि किसी अनुक्रम का एनवा पद ये है तो ए सत्रह ज्ञात कीजिए। तीसरा देखो, तीसरा क्वेश्चन में है एनवा पद यानी ए एन बराबर हमारे पास ये है कि टू एन बाई एन प्लस थ्री, टू एन बाई एन प्लस थ्री, और हमसे ए सत्रह का मान पूछ रहा है। मतलब समझिए, मतलब एन का मान यहाँ पर एन है तो यहाँ पर सत्रह है, तो एन का मान कितना है, एन का मान सत्रह है, तो जहाँ जहाँ एन है वहाँ वहाँ क्या रख देंगे, सत्रह रख देंगे। तो हो जाएगा दो इंटू सत्रह बटे सत्रह प्लस तीन, तो दो इंटू सत्रह बटे सत्रह और तीन जुड़कर बीस, सत्रह और तीन जुड़कर बीस, दो एकम दो दो सामान बीस, यानी हमारे पास आंसर क्या है सत्रह बटे दस। तो ये दोस्तों हमारे पास क्या है आंसर, सत्रह बटे दस। अब देखिए तीसरे का बी पार्ट, तीसरे का बी पार्ट आप लोग ए पंद्रह, तो जो तीसरे का बी पार्ट आप लोग आसानी से कर लोगे, कैसे करोगे, जहाँ जहाँ यन है वहाँ वहाँ पंद्रह रख देना, आप लोग आसानी से कर लोगे। नहीं कर पाओगे कमेंट सेक्शन किस लिए, डालो कमेंट, नेक्स्ट वीडियो में जरूर आपको ये मिलेगा। क्वेश्चन नंबर चौथा देखिए, क्वेश्चन नंबर चौथा क्या है, क्वेश्चन नंबर चौथा, चौथे में ये है कि एक अनुक्रम निम्नलिखित परिभाषित है, ए वन बराबर एक, ए वन बराबर एक, ए टू बराबर दो, और ए एन प्लस वन ए एन प्लस टू, एन प्लस टू इज इक्वल्स ए एन, ए एन प्लस ए एन प्लस वन, ए एन प्लस वन और एन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू वन। अब ध्यान देना, इन्होंने कहा है लास्ट प्रत्येक अनुक्रम के प्रथम तीन पद ज्ञात कीजिए, कितने पद ज्ञात करना है, तीन पद ज्ञात करना है। तीन पद जब ज्ञात करेंगे तो हम लोग इसका मतलब क्या है, मतलब है एन बराबर हम लोग एक दो तीन रखेंगे, तीन पद में एन क्या रखेंगे एक दो तीन। तो देखो हम लोग सबसे पहले एन बराबर एक रखेंगे, एन बराबर क्या रखेंगे एक। इन्होंने ये भी कहा है यन का मान एक के बराबर भी ले सकते हो और एक से अधिक भी ले सकते हो, तो एक के बराबर ले सकते हैं, एक से अधिक भी ले सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर देखिए ए यन की जगह एक प्लस दो की जगह दो बराबर ए एन की जगह एक प्लस एक प्लस एक एक प्लस एक, ये हो गया तीन, ए तीन हो गया बराबर ए वन का मान हमारे पास एक है और ए वन वन जुड़कर टू हो जाएगा, ए टू का मान क्या है दो है, तो हो जाएगा ए तीन का मान क्या हो गया तीन। तो हमारे पास आंसर क्या है, तीन पद पूछा गया था, तो प्रथम पद एक है, द्वितीय पद दो है और तृतीय पद हमारे पास क्या आ गया तीन, बस तीन पद, इसका जरूरत पड़ी ही नहीं हमें। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया एक दो तीन। अब देखिए इसका बी पार्ट, इसके बी पार्ट में यह है कि ए ए टू बराबर है
चलो बी पार्ट बताते हैं आपको। बी पार्ट ये है, ए पार्ट ये है, बी पार्ट। बी पार्ट में ये है कि ए टू बराबर टू, ए टू बराबर टू, इसके बाद ए एन बराबर, ए एन बराबर एन माइनस, ए एन बराबर ए एन माइनस वन, ए एन माइनस वन प्लस वन, एन इज ग्रेटर देन थ्री इज इक्वल्स टू, यानी एन का मान जो है, रुके यहाँ पर, प्लस वन, एन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू थ्री, तो एन का जो मान है वो आप तीन के बराबर ले सकते हो या तीन से अधिक ले सकते हो। एन का मान आप तीन ले सकते हो, चार ले सकते हो, पाँच ले सकते हो, लेकिन इससे कम नहीं ले सकते हो। यहाँ पर हम लोगों ने एन बराबर तीन रख लेंगे, तो यहाँ पर रखना में ए तीन रखेंगे, यहाँ पर एन का मान तीन रखेंगे, तो यहाँ पर भी हम लोग रखेंगे ए तीन माइनस एक और प्लस एक, अर्थात ए घटकर हो गया दो प्लस एक, और ए दो का मान क्या है, दो, दो प्लस एक अर्थात क्या हो गया, तीन। ठीक है, तो हमारे पास अब की बार हम लोग चार रख लेंगे, तो यहाँ पर रखेंगे चार बराबर ए चार माइनस एक प्लस एक बराबर एक घटका हो गया ए तीन प्लस एक, समझो चार से घटाएंगे तीन एक, और ए तीन का मान हमारे पास है तीन प्लस एक अर्थात क्या है, चार। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, हमारे पास आंसर जो है, आंसर से हमारे पास है, यहीं पे कर देते आंसर, एक तो हमारे पास दो है, इसके बाद हमारे पास तीन है, और इसके बाद चार है, और ये हमारे पास आंसर है। अब दोस्तों हम लोग करेंगे पांचवें का, यानी पांचवा करेंगे, पांचवें का ए पार्ट। देखिए पांचवें का ए पार्ट, पांचवें का ए पार्ट में ये है, उस अनुक्रम के प्रथम चार पद ज्ञात कीजिए जिसका प्रथम पद एक, प्रथम पद को हम लोग किस लिखते हैं, ए से लिखते हैं, प्रथम पद को लिखते हैं ए से, ए बराबर एक, और इसके बाद एन प्लस वन वा पद एनवे पद में से एक घटाने पर, एनवे पद में से एन घटाने पर प्राप्त होता है, तो एन प्लस वन वा पद, तो एन प्लस वन वा पद जो है इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, ए एन प्लस वन लिखते हैं, और एन वा पद को हम लोग ऐसे लिखते हैं, ए एन लिखते हैं, ठीक है, ए एन लिखते हैं। तो इन्होंने क्या कहा कि जो n प्लस वन बा पद है, n प्लस वन बा पद मतलब a n प्लस वन, ये nवे पद में से n घटाने पर, तो n प्लस वन बा पद nवे पद ये है, और इनसे n घटाने पर ये बराबर होता है। अब हम लोग n बराबर क्या रखेंगे, n बराबर रखेंगे एक, तो हमारे पास कितने पद पूछे गए हैं इसमें, इसमें प्रथम चार पद पूछे गए हैं, तो हम लोग क्या रखेंगे n बराबर, n बराबर रखेंगे हम लोग, एन बराबर रख देंगे एक दो तीन चार, चार पद पूछे गए, चार रखेंगे, तो यहाँ पर जब चार रखेंगे तो यानी एक प्लस एक, पहले यार एक रखेंगे प्लस एक बराबर ए एक माइनस, अब एन वे पद में से क्या घटाने पर, एन घटाने पर, तो एन का मान हम लोगों ने क्या लिया, एक ले लिया, तो ये हो गया ए दो बराबर ए वन का मान क्या, हमारे पास एक है माइनस एक, अर्थात घटकर कितना आ गया, जीरो। अब की बार एन का मान दो रखेंगे, तो यहीं पर रखेंगे, तो दो प्लस एक बराबर ये हो जाएगा ए दो माइनस दो, क्योंकि एन की जगह तो दो ही रखेंगे हम लोग, तो ए दो का मतलब हो गया ए तीन ए जुड़कर, और ए दो का मान है जीरो, तो माइनस दो अर्थात ये माइनस दो। अब की बार हम लोग तीन रखेंगे, तो ए यहाँ पर रखेंगे तीन प्लस एक बराबर ए तीन माइनस तीन, तो ए चार बराबर ए तीन का मान माइनस दो और माइनस तीन, तो ये हो जाएगा आपके पास इसका मान ए तीन, ए तीन का मान माइनस दो, और एन का मान हम लोगों ने क्या रखा था, तीन रखा हम लोगों ने, एन का मान क्या रखा, तीन रखा, तो ये हो गया माइनस पाँच। एक बार समझ लीजिए इसको, एक बार एन बराबर हम लोग एक रखेंगे, एक बार हम लोग दो, एक बार तीन, एक बार चार रखेंगे, पहले हम लोगों ने क्या रख लिया, एन का मान एक रख लिया, ठीक, इसके बाद एक रखने में दो प्राप्त हुआ हमें, दो प्लस एक, तो ए यहाँ पर एन का मान एक रख लिया, तो एक रखने पर एक और एक दो, और एक माइनस इसके जगह एक और माइनस एक बराबर जीरो। अब की बार एन का मान दो रख लिया, तो ए दो हो गया यहाँ पर दो, और ये माइनस एन की जगह दो रखेंगे, तो ये हो गया ए तीन,
ये हो गया जीरो और ये माइनस दो बराबर माइनस दो। अब की बार हम तीन रख लिया, यहाँ पर तीन हो गया तीन और ये प्लस एक और यहाँ पर तीन और यहाँ पर तीन, तो ए तीन का मान माइनस दो और ये माइनस तीन तो माइनस पाँच। तो हमारे पास आंसर क्या है, आंसर है दो, प्रथम पद क्या है एक, द्वितीय पद ए टू, ए टू क्या है जीरो, ए थ्री क्या है माइनस दो और ए फोर क्या है माइनस पाँच। ये दोस्तों आंसर है। अब हमारे पास पाँचवें का बी पार्ट, पाँचवें का बी पार्ट में ये है कि एक अनुक्रम का एनवा पद ए एन बराबर ये है, तो दिखाइए कि प्रत्यय, देखिए पहले इसको लिख लेते हैं हम लोग। पाँचवें का बी पार्ट, ए एन बराबर हमारे पास क्या है एन क्यूब, एन क्यूब माइनस सिक्स एन स्क्वायर, सिक्स एन स्क्वायर प्लस इलेवन एन माइनस सिक्स। इन्होंने ये कहा है कि है दिखाइए कि अनुक्रम के प्रथम तीन पद शून्य है और शेष सभी पद धनात्मक हैं, तीन पद जीरो आना चाहिए, तीन पद क्या आना चाहिए जीरो। तो मैं जानते हैं हम लोग एन का मान क्या लेंगे, एन का मान एक लेंगे, दो लेंगे, तीन लेंगे, ऐसे लेंगे, ठीक है, और सभी पद जीरो आना चाहिए। अब सबसे पहले एक ले लो, तो ये हो गया ए वन बराबर एक का क्यूब माइनस छः इंटू एक का वर्ग प्लस ग्यारह इंटू एन माइनस छः। अब ए वन बराबर, ए वन बराबर ध्यान देना, ए वन बराबर हमारे पास एक की घात कुछ भी हो एक ही होता है, माइनस छः इंटू एक अर्थात छः और प्लस ग्यारह इंटू एक अर्थात ग्यारह इंटू एन का मान क्या है एक, तो ग्यारह और माइनस छः, दो ग्यारह और एक जुड़कर बारह, छः और छः जुड़कर माइनस बारह अर्थात क्या है जीरो। देखो प्रथम पद जीरो आ गया। अब की बार दो रखेंगे, तो ए दो बराबर दो का क्यूब माइनस छः इंटू दो का स्क्वायर, छः इंटू यहाँ पर दो का स्क्वायर प्लस ग्यारह इंटू दो माइनस छः, तो ए टू बराबर दो का क्यूब हो गया आठ माइनस दो दूनी चार, छः दो का चार और छः चौका चौबीस और प्लस ग्यारह दूनी बाईस और माइनस छः, चौबीस और छः और अठारह, आठ और बाईस जोड़ लो, तो ए टू बराबर हो गया तीस माइनस तीस अर्थात जीरो। देखो द्वितीय पद भी क्या आ गया जीरो। अब देखिए हम लोग तीन रखेंगे, तो ए तीन यहाँ पर तीन का क्यूब और माइनस छः इंटू तीन का स्क्वायर प्लस ग्यारह इंटू तीन माइनस छः, तो यहाँ पर हो गया ए तीन बार तीन दर का नौ होती सत्ताईस, तीन का क्यूब क्या हो गया तीन क्यूब सत्ताईस माइनस छः और तीन दर का नौ, नौ छः चौवन प्लस ग्यारह तीन तैंतीस माइनस छः तैंतीस और ये जोड़ लो और ये दोनों जोड़ लो, तो ए थ्री बराबर साठ माइनस साठ अर्थात तीन बराबर, देखो ए थ्री बराबर जीरो आ गया। अब की बार एन बराबर चार रख लो, तो ए फोर, तो यहाँ पर चार का क्यूब और माइनस छः इंटू चार का वर्ग प्लस ग्यारह इंटू चार माइनस छः, तो ये ए फोर बराबर चार का क्यूब हो गया चार चौक सोलह चौक चौंसठ माइनस चार चौक सोलह, सोलह छः छियानवे और प्लस ग्यारह चौक चौवालीस माइनस छः, इन दोनों को जोड़ लो और इन दोनों को जोड़ लो, तो ए फोर बराबर जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो एक सौ आठ और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 102, जब घटाएंगे तो ए फोर बराबर छः जो कि है प्लस में। देखो पहला मान हमारे पास जीरो है, दूसरा भी जीरो, तीसरा भी जीरो है, प्लस का छः, यही उन्होंने कहा था कि तीन पद जीरो हो और चौथा पद धनात्मक हो या इसके सभी पद धनात्मक हो। तो दोस्तों ये हम लोगों ने 9.1 को खत्म कर लिया है, अब मिलते हैं 9.2 में, तब तक के लिए आप लोग का स्क्रीनशॉट लीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।